Guru, 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 Guru.
से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम सबसे महंगी है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। आइए इसको घर वगैरह खड़ा है।
तक अपने को माफ पूछा ये जरा आप थोड़ा लिरिक्स कर बिल्कुल टाइम से आ गए भाई साहब वगैरह तो आ गए।
मैंने कहा वाह चलो क्या आपने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया, आपको बहुत बहुत बधाई, हजारों भक्त इसका नाम फोटो ले जाने की बेहतर हुआ। फिर बावड़ी वगैरह में भी कार्यक्रम था हमारे सबके सामने रखी बात, तो सब ने कहा कि ठीक है। इतना रिस्पॉन्स मिलेगा इसकी, तो इसीलिए उन्हें ये बात मेरे को सुनाई भैया ने, वो यही वाली बात इसीलिए आ रही है कि बिना उनकी परमिशन के वो फोटो खींच ली है सब, उसने फटाफट खाली उसकी परमिशन ले तो ही है काम अपने। सही बात है, अपन कहीं नहीं करते दावा, नहीं करते दावा तो कभी होते ही नहीं। ये कुर्सी ले आओ, नहीं तो ले आओ, ले आओ सुनाएगा। तो मैंने बीच तेरे बात आपको क्या है इसमें फालतू बकवास करने की बोलने की जरूरत है, उनको जो करना हो करने दो। उनको जो इच्छा हो करने दो, अपन कौन रोकने वाले होते हैं। वो भाव से कर रहे हैं तो करने दो। तो मैंने कहा आप ही कह देना, मैं नहीं कहूँगा, कहा मैं कह दूंगा। हाँ सीमा बताया, जब तो हमको भी मालूम चली कि ये ऐसा मतलब प्रभु के यहाँ पे अच्छी भगवान का मूर्ति बहुत अच्छा है। और देन परसों बोल रही थी कि मेरे को ऐसा याद है कि मैं 6-7 साल की थी जब हम लोग मऊ गए थे, क्योंकि अभी जीते गोपा मापसी ने वैसा ही ने फोटो खींचा था, ये इतने ध्यान से पर हाँ पर मैंने बाकी गाड़ी में कोई पर आप देखो बिल्कुल बेन साहब बोले मने याद छे के हमें भी हंगा जंगा थे जता था ने नन नन आता तो बाबजी ने बेसानी ना माने चंदी सेठ ने गई हमें लिमखेड़ा ये आते थे ना, तो लिमखेड़ा में इतनी परिस्थिति नहीं थी पहले लिमखेड़ा में भी, तो फोटो पहला तो ये क्या सेठ जी आते थे तो ये साबुन और इत्र में ये सब लक्स साबुन ऐसे 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 आते और ये ना नहाके निकले तो लाइन लगती थी, ये नहाए तो इत्र की खुशबू आए बाल्टी में, तो वो के मैं ना वो के मैं ना तो झगड़ते थे छोटे छोटे हम, ये सेठ जी आते थे तो बहुत तामझाम अच्छा था। घोड़ा गाड़ी से आते थे और केसर की टिक्की लगाना, घोड़ा गाड़ी से आते थे। हाँ ये तो बहुत ऊंची हस्ती थी, मऊ की बहुत बड़ी हस्ती है, देखते देखते आगे गाड़ी जाए, बहुत बड़ी हस्ती है मऊ की, मऊ की हस्ती भी और भगवान की उसमें भी बाबजी के भी। क्या करे तो बोले कुछ नहीं, प्रभु की इच्छा है, फोन दो जो हो रहा है सब बढ़िया। जाएंगे यहाँ से तो परछाई देंगे छोड़ के जाएंगे सब, उनकी ऐसे थोड़ी ना होगी, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। अरे भगत के घर से जाना उनको, ऐसे सब भक्तों के साथ जाना है, जैसे वो पहले आते थे कोटेश्वर लीला करते हुए, हाँ। उस तरीके से सबके साथ हूँ। अच्छा उन्होंने कहा बचपन को कभी खोना मत, बचपन हमेशा रखना, अपना अंदर का बालक को कभी मरने मत देना। ये कलाकार है नहीं, वो और फिर बड़ा पढ़ के नहीं बोलता है। Gracias.
बहुत बढ़िया। वो पाँव जरा सा पीछे जरा सा पाँव जरा सा
इसी छत के नीचे आकर के विराजमान हुए थे। सद्गुरु भक्तों को अनंत असीम आनंद दिया था, अनंत असीम आशीर्वाद से भक्तों को नवाजा था। वो हमारे प्रभु की जो महू यात्रा थी, मालवांचल महू की यात्रा, वह अनेक भक्तों के जीवन में करूंगा। आपका निवेदन रामजी भाई तक पहुंचाने का काम मेरा है,
उस निवेदन को स्वीकार करना तो राम जी भी के बस की बात है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके निवेदन को, आपके आग्रह को राम जी भाई ने हाथों हाथ स्वीकार किया है और कहा है कि मेरे सपोर्ट। तो अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जीवन के जीवन ये जीवन भर का जो लाभ है ना, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, है ना, जीवन भर में एक बार मिलने वाला लाभ है, इस लाभ को आप परम शांति से, परम आनंद से, ईश्वर एकाकार स्थिति में इसका आनंद लीजिए। और राम जी भी करिए, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वे प्रवचन करें क्योंकि वो प्रवचन वगैरह करने में रुचिवान नहीं है। मैं मेरी तरफ से आप भी यदि आपको कोई पूछना है, कोई बात है तो आप भी पूछिए, मैं सुझाता जाऊंगा उनको कि आप इस विषय पर बोलिए, आप इस विषय पर बोलिए, आप इस विषय पर बोलिए, और वे बोलेंगे और हम ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले इसी घर में जब भगवान पधारे थे तो राम जी भाई का भगवान से साक्षात्कार किस प्रकार से हुआ था, कैसा हुआ था, उसके उसके वर्णन से ये शुरू करें, फिर दूसरी बातें।